गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी तकमा को उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारा बस्ती में कैटी में सेकेंड डे है आज। तो सेकेंड डे में आप लोगों को कल बता चुके हैं हम फर्स्ट डे में कि आज हमारा कैटी में यूथ आएगा, यूथ 50 या 60 आदमी आएगा। तो उसके लिए सुबह सुबह मैं पहुँच चुकी हूँ कैटी में। अभी फ़िलहाल तो 5:30 हो रहे, तो इतना सुबह आके अभी हम आग वग जलाएगा, पानी उनी टूकर बना लिया था, तो चाय बनाएगा, फिर खाना वाना पकाएगा। 50-60 आदमी के लिए चाय पकाना, खाना पकाना, कोल्ड ड्रिंक सर्व करना, इट्स ए वेरी बिग टास्क, बहुत बड़ा काम है आज मेरा लिए। तो फिलहाल जो मेरा भाई है, मम्मी है, वो लोग कहती मैं नीचे चला गया है, मेहमान जहाँ से आएगा वो लोग को वहाँ नीचे में रुक के कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएगा। और मेरा काम है यहाँ में आज खाना पकाना, चाय पकाना, उसके बाद में पानी जमा करना, उसके बाद में आदमी को खाना खिलाना। तो सबसे पहले तो मुझे खाना पकाना है और उसके बाद में मीट पकाना है, उसके बाद सलाद बनाना है। खाना भी 50-60 आदमी के लिए बनाएगा तो हमको बार बार बनाना पड़ेगा, वो भी आग में, देख सकते। तो यहाँ मेरा काम शुरू हो चुका है। हम लोग का यहाँ केटी शुरुआत करने से पहले मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पेप्सी से शुरुआत करते हैं। तो अभी हम पेप्सी पियेंगे, उसके बाद मैं अपना काम को शुरू कर दूंगी। तो यहाँ भी देख सकते हैं इतना अच्छा से सुंदर से निकल गया गुत्ती। तो मैं यहाँ मॉर्निंग चाय बना रही हूँ। अभी आदमी आने से सबसे पहले जो पेप्सी पिएगा पेप्सी, जो चाय पिएगा चाय, उसके बाद मैं खाना वाना बनाना शुरू कर दूँगी। आई थिंक पानी जो गर्म हो गया, अभी हमको इसमें चावल डाल देना चाहिए। ये आटा नाते आज हम लोग को मदद कर रहे हैं, मेरा हेल्पर लोग, ये मिस पुनिया, और वहाँ पे एक दीदी है। चार आदमी आज मिल के हम लोग खाना पका रहे हैं। तो मेरा चावल उबल रहा है, देख सकते हैं कितना सुंदर से उबल रहा है। आज कैटी में जितना भी आदमी आएगा, मेरा ही हाथ का बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाने मिलेगा। मेरा मीट भी कितना सुंदर से उबल रहा है, वाह, आज तो सब लोग मेरा हाथ से बहुत टेस्टी टेस्टी खाने को मिलेगा। तो अभी सफा कर रही है लोग, देख सकते हैं ऐसे सफा करते हैं। तो इलायची गुत्ती कैसे होता है हम दिखाएगा आप लोग को। ये है इलायची का गुत्ती, ऐसा होता है, देख सकते हैं ऐसा होता है इलायची का गुत्ती। देखो अभी तक नहीं पका, ये कच्चा है, पकने से ये काला हो जाएगा, पकने से ये अंदर का गुत्ती जो काला हो जाता है, अभी तो नहीं पका इसलिए सफ़ेद सफ़ेद है। देखो तो ये है मनी का गार्डन, पार किलो 1000, इसलिए यहाँ आदमी लोग बहुत मेहनत से बगन को बनाता है ये। तो ये दोनों खाना बन रहे हैं। हम लोग जब भी ओकेजन होता है जंगल में ऐसे ही बनते हैं, या घर में भी ऐसे पट्टा से ही बनते हैं। हम लोग प्योर ट्रेडिशनल स्टाइल को अभी तक फॉलो करते हैं हम लोग। बस्ती में हम लोग हर चीज़ लोकल यूज़ करते हैं ना, पट्टा से भी हम लोग को विटामिन्स मिलता है,
और ये अपना खेती से बनाया वाला चावल और मीट को छोड़ के पेप्सी को छोड़ के सब यहाँ में लोकल फॉर वोकल्स वाला चलाते हैं हम लोग। तो ये सलाद बन रहा है, इसको हम लोग हुली बोलते हैं। तो फाइनली मेरा खाना सब्जी बन के हो गया है। चटनी है वह में पूरा सब्जी है, जितना डिक्ची दिख रहा है उसका बन में वहाँ बॉयल पानी है और ये टोकरी में काना है। काना को हम लोग बांध रहे हैं, देख सकते हैं अभी तक गर्म है ये। तो अभी एग्जैक्ट 12 बज गया है, अभी वो लोग को हम खाना खाने के लिए बुलाएगा। और मैं यहाँ हूँ आज की बोनती, बहुत तकलीफ है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है खेती में खाना सब्जी पकाना, बहुत तकलीफ है, ऊपर से गर्म है और आग में। आज का पेप्सी मालकिन पेप्सी सर्व करके आए, इतना पहाड़ में जाके सब पेप्सी सर्व करना भी बहुत बड़ा थाक से, और हम जैसे सुस्ती लोग यहाँ करा करा बासन मारते गुआ काने ले क्या कुछ ली नहीं होगा, कुछ ली नहीं होते बहुत अच्छा होता है, टेस्टी होते है। सफेद वाला कुछ है, एक जो काला वाला जो वो कुजली होता है, सफेद वाला कुजली नहीं होता है, ये अच्छा होता है। आज फाइनली लंच टाइम, अभी सब लोग लंच कर रहे हैं, 12 बज गया है। देखो सब्जी ले लो, हाय कबो मर्जी लेके का कुछ है। क्या तो जितना भी यूथ आया है उसका अभी रजिस्टर ले रहे हैं, तो रजिस्टर लेने से पता चलते है कौन कौन आया है कौन कौन नहीं आया है। अभी सब लोग खाना खा लिया, अभी हम लोग किचन पार्टी खा रहे हैं, खा लिया उसके बाद जो जो खा लिया सब लोग अभी यहाँ में काम शुरू कर रहे हैं, देख सकते हैं न दपा गुने ददू दन ने। बहुत टेस्टी हुआ आज मीट पकाने वाला कौन है बहुत टेस्टी हुआ, बहुत अच्छे से कहा था, बहुत मजा लगा, दोनों को बता टेस्टी हुआ है कि नहीं हुआ। हम अंडा कर रहे हैं, टेस्टी है ना टेस्टी नहीं है वो अंडा जो मालूम नहीं है। मीट मत नहीं खाने वाला लोग ऐसा ही होगा, आता पुण्य का मीट को दिखाओ तो आता पुण्य इतना चबा रहा है, देखो ये तो ये वाला असली वाला को खा रहे थे इतना माता खराब बारिश आ रहा है, अभी सब लोग इतना मेहनत से कर दे रहे हैं आज, यहाँ से ये नीचे से लेके वो ऊपर तक आदमी लोग कराओ के काम कर रहे हैं। और चाय बनाने वाला को भी देखो कितना तकलीफ से चाय पका रहे हैं। फाइनली हमारा काम खत्म हो गया है, वो हमें लास्ट कर रहे हैं, अभी मामी हम दोनों सामान पैकिंग कर रहे हैं, यहाँ से पूरा घर लेके जाएगा। खत्म हो गया, अभी एंडिंग पेप्सी पी रहे ये लोग, पेप्सी पी के अभी चला जाएगा। हाय बाय, हम अभी जा रहे हैं। खत्म किए है क्या? खत्म कर लिया उमा, पचास चाय ये जिगमा चलिया हिबे ये पहिया पचास चाय आ दो ओलो ये आत्मा सुला पेप्सी गम तो दू मम तो उना जीता सब फिरे मै पूछा चाया द कले फाइनली खेती खत्म हो के हम लोग अभी घर जा रहे हैं, और बहुत थक गया, और आज का यूथ लोग आके पूरा बगन को ख़त्म कर दिया। तो आई होप कि आज के ब्लॉग को आप सब पसंद आए होंगे, आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आप सबको मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू गाइस।